आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइक के बारे में, जिसे माइक्रोफोन के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल में बेसिकली माइक दो टाइप के लगे होते हैं। सबसे पहला होता है ECM, जिसे इलेक्ट्रिक कंडेंसर माइक कहा जाता है, और दूसरा जो होता है MEMS, जिसे माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, जिसे हम डिजिटल माइक के भी नाम से जानते हैं। और जो ECM होता है उसे हम एनालॉग माइक या फिर यूनिवर्सल माइक के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहीं कहीं चाइनीज माइक भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक क्या होता है, इसे कैसे चेक किया जाता है और ये कैसे वर्क करती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक क्या होता है। माइक एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंपोनेंट है, जो काम करती है एक ट्रांसड्यूसर के रूप में, जिसका काम होता है ऑडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। माइक का उपयोग हम अपनी आवाज़ को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में करते हैं या फिर अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करने में करते हैं। अब हम जानेंगे कि एक माइक के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए चलिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि माइक कैसे वर्क करता है। माइक कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे दो पॉइंट्स निकले हुए होते हैं सभी माइक में, और इसके नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से होते हैं, और यहाँ से वॉइस अंदर आती है, हम वॉइस कॉल कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हो ऊपर में, ये मैंने बनाया है, ये है क्लॉथ जो इसे अंदर गंदा जाने से रोकती है, ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जा सके। उसके बाद यहाँ पे डायफ्राम होता है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो यहाँ ये आगे पीछे होती है, और यहाँ पे हमारा FET लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसमें तीन कॉन्टैक्ट होते हैं, जो कि एक यहाँ से और एक यहाँ से जुड़ी होती है, और इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है वो यहाँ पे टच करती है इस तरह से कुछ। और इसके दोनों तरफ इंसुलेशन होते हैं, ये। वैसे ये जो आप देख रहे हैं ये कंडेंसर माइक का थोड़ा सा पेंट कर देते हैं ताकि ये अलग लगे। दोस्तों डायफ्राम ये ऊपर से मैंने बना दिया डायफ्राम, और उसके नीचे जो यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं इसे इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहा जाता है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। और इलेक्ट्रिक एलिमेंट जब इस FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के गेट में टच करता है, तब यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होती है और हमारी ऑडियो IC में पहुँचती है। इसका ये जो आप देख रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका ये गेट होता है और ये सोर्स और ये ड्रेन। आपको ट्रांजिस्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे सर्च करके उसे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे कंडेंसर माइक के अंदर डायग्राम होते हैं बने हुए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन में माइक कैसे वर्क करती है। तो उसके लिए यहाँ पे IC बनानी होगी, जो कि ऑडियो IC होती है, जहाँ पे हमारा माइक सिग्नल भेजा जाता है। इससे माइक में प्लस एक और एक माइनस दो तार
कनेक्ट होते हैं और इस वायर में कहीं कहीं आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे ग्राउंड किए हुए और कहीं यहाँ पे पैरेलल में दोनों तार के यहाँ भी कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे और हो सकता है कि कहीं डायोड भी मिल जाए आपको ग्राउंड किए हुए। यहाँ पे एक और कैपेसिटर बनाया था जो कि दोनों तार के बीच में लगा है और दोस्तों इसे एक्टिवेट करने के लिए एक सिग्नल भी आया था हमारे प्लस पिन पे जो कि होती है लगभग 2 वोल्ट की, वो भी ऑडियो आईसी के माध्यम से ही दिया जाता है। जब हम रिकॉर्डिंग चालू करते हैं या फिर कॉलिंग के दौरान जब हम किसी को कॉल करते हैं तो यहाँ से 2.8 वोल्ट जो करंट है वोल्टेज वो हमें हमारे माइक को मिलती है जिसके वजह से हमारा माइक ऑन हो जाता है और जब हम कुछ उस समय बोलते हैं यहाँ पे तो ये हमारे वेव्स साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑडियो आईसी को भेज देती है जो कि एक एनालॉग सिग्नल होती है। तो कुछ इस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन में माइक वर्क करता है। दोस्तों इसे एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन में माइक कैसे वर्क करता है। जब हम रिकॉर्डिंग चालू करते हैं या फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो ये ऑडियो आईसी है यहाँ से 2.8 वोल्ट का करंट पास आउट होता है जो कि हमारे माइक को दिया जाता है और जब 2.8 वोल्ट माइक को यहाँ पे दिया जाता है उस समय जब हम कुछ बोलते हैं यहाँ पे माइक में तो ये हमारे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे इस प्लस और ये एक माइनस ये दोनों वायर के द्वारा ऑडियो आईसी को सप्लाई करती है जो कि एक एनालॉग सिग्नल होती है और फिर आगे का तो आपको पता ही होगा ये स्पीकर तक कैसे पहुंचता है हमारा वॉइस। अब हम जानेंगे कि एक माइक्रोफोन एनालॉग हो या डिजिटल उसे चेक कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मल्टीमीटर की जिसे हम कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे और इसके द्वारा हम माइक को चेक करेंगे। तो चलिए लाते हैं मल्टीमीटर और माइक। मल्टीमीटर और माइक को ले आया है। अब हम इसे यहाँ कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे और चेक करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी मोड पर जब हम रखेंगे तो यहाँ पे 100 करना चाहिए और इसे टच करने पर बीप आनी चाहिए, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम जब इसे चेक करेंगे तो 500 से लेके 1500 के बीच हमारा माइक का रीडिंग आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे माइक मैंने रखी है और अब इसे हम चेक करेंगे तो एक साइड से 1 और सेकेंड साइड से 500 से ज़्यादा कुछ या 1500 के बीच 500 से 1500 के बीच आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इसे टच करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टच किया थोड़ी यहाँ पे देखिए इधर से कुछ नहीं आ रही है। तो हम रिवर्स वाइज माइक को इधर प्लट कर रेड वायर को ब्लैक से और ब्लैक को रेड से देखेंगे। देखिए यहाँ पे 842 के आसपास रीडिंग आ रही है हमारी। देखिए फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये तो हो गई इस माइक में। अब हम चेक करेंगे SMD माइक को। तो इसे चेक करने के लिए हमें पिन को ढूंढनी पड़ेगी कि इसमें ग्राउंड कौन सा है और उसका सिग्नल क्लियर कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं और थोड़ा जूम करके देखिए। चलिए इसे सबसे पहले हमें ग्राउंड ढूंढनी है। उसे ढूंढने के लिए हम चेक करेंगे ये कि कौन सा कॉमन है, इसलिए हम ऐसे टच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी बीप आ रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप बीप की आवाज़ सुनाई देगी आपको। एक और फिर से टच करते हैं एक और फिर से और देखते हैं बीप की आवाज़ आ रही है या नहीं। ये देखिए आ रही है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ जहाँ बीप की आवाज़ आ रही है ये तो ग्राउंड हो गया और हमें यहाँ पे रेड प्रोब, ये रेड है, इसे हम यहाँ रखेंगे
हेड प्रॉप को हम ग्राउंड पे, ये जो हमारा ग्राउंड है इस पर रखेंगे, और जो बाकी दो लेग्स है यहाँ पे तीन, वहाँ पे टच करके देखेंगे 500 से ज़्यादा और 1500 के बीच में आनी चाहिए। चलिए टच करते हैं, देखिए यहाँ पे 650 के आसपास आ रही है रीडिंग, 645। और अब चलिए दूसरे वाली पर देख लेते हैं, 557 56 ऐसे कुछ करके आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से अब आप किसी भी माइक को चेक कर सकते हैं। उसमें हमें सिर्फ SMD माइक में ग्राउंड को ढूंढनी होती है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आसानी से मिल गई है। और इसके बाद हमने यहाँ पे चेक कर लिया, जो कि 500 से ज़्यादा और 1500 के बीच की रीडिंग है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो हमें लिख कर बताएं। धन्यवाद।